जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ दिया है। मृतक की पहचान पेशे से ड्राइवर सतीश कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि इस आतंकी वारदात में शामिल आतंकियों को जल्द ही मार गिराया जाएगा। शामिल आतंकवादियों की तलाश जारी है और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चमन जुड़ चुके हैं। चमन, जिस तरह से एक बार फिर आतंकवादी नागरिकों को मार रहे हैं, उससे लोगों में डर है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से घाटी में लगातार आतंकी जो हैं आम लोगों को, नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, हमने देखा है कि आतंकी किस तरीके से आम लोगों पे हमला कर रहे हैं। आप 19वीं दशक की बात देखिएगा, जब 19वीं दशक का समय था, किस तरीके से कश्मीर के अंदर वहाँ के आम नागरिकों को और कश्मीरी पंडितों पे लगातार हमले किए जा रहे थे, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर के अंदर से पलायन करना शुरू कर दिया, और जिससे कहीं ना कहीं अभी कश्मीर के अंदर जो है, जो स्थिति है कश्मीरी पंडितों की, वो बहुत दयनीय होती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई, उसके अंदर साफ तौर पे दिखाया गया उस मूवी के अंदर कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके आतंकियों ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की, उस इलाके को अपने अंडर करने के लिए, उस जगह पे अपना दबदबा बनाने के लिए, उस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए किस तरीके से पहले हिंसा की जाती है, उसके बाद घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और जो वहाँ के आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं वहाँ के, उनको किस तरीके से निशाना बनाया जाता है आलोक, और इससे लोग परेशान हो करके, आम लोग डर करके, जो कमाने खाने वाला इंसान है, जो आम आदमी है, वो डर करके पलायन करना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि मेरा परिवार महफूज रहे, दो वक्त की रोटी सुकून के साथ मिल सके। जी आलोक, लेकिन आतंकी घाटी में फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लोगों को 90 के दशक में नागरिकों पर हुए हमलों की याद आ गई होगी, जिस तरह से आतंकी लोगों को सरे बाजार लोगों को गोली मार देते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक आप कि 90 के दशकों में आतंकी किस तरीके से 20,000 लोगों को गोलियां मार देते थे, हमने कश्मीर फाइल्स मूवी के अंदर देखा है कि एक छोटा सा क्लिप है उनका, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरीके से कश्मीर फाइल्स मूवीज के अंदर एयरफोर्स ऑफिसर जो है साफ तौर पर खड़े होते हैं, उनको दिन दहाड़े बीच चौराहे पे गोली मारी जाती है। ये उस समय की घटनाओं को दर्शाता है कि किस तरीके से उस समय की घटनाएं जो है, जो उस समय का वाक्य है, वो कितना सच है कि कश्मीर के अंदर साफ तौर पे जो आम आदमी है उसका जीना आतंकी जो है साफ तौर पे मुहाल कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान का आप यहाँ पे जिक्र कर लीजिएगा, तमाम आतंकी संगठन है जिनका टारगेट है कि वो कश्मीर को अपने अंडर कर ले, कश्मीर पे दबदबा बना ले, कश्मीर को अपने कश्मीर में अपनी एक अलग अलग राज्य बना ले, कश्मीर को एक अलग अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी संगठन। इसलिए वो वहाँ के आम नागरिक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आम नागरिक को टारगेट कर रहे हैं कि वो वहाँ से पलायन करें, उस जगह को खाली करें और उस जगह पे फिर वो आतंकी कब्जा कर सके। जी आलोक, लेकिन देखिए पुलिस कह रही है चमन के आतंकियों को जल्द मारा गिरा जाएगा। आपको बता दें पुलिस कह रही है तलाश जारी है, इसको लेकर पुलिस में क्या हलचल देखने को मिल रही है चमन, बताइए। जी बिल्कुल आलोक, प्रशासन जो है लगातार दावे कर रहा है और वादे भी कर रहा है आम लोगों से कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि आतंकी हिंसा होने के बाद जिस तरीके से आम लोगों को मारा जाता है, पुलवामा की आप बात कीजिएगा, पुलवामा में की मैं बात बताता हूँ आपको, पुलवामा में किस तरीके से दिन दहाड़े दिहाड़ी मजदूर जो काम करने वाले होते हैं उनको दिन दहाड़े आतंकी गोली मार देते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद वहाँ के जो आम मजदूर हैं, जो दिन दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, वो धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर रहे हैं साफ तौर पर, ये हम सब देख रहे हैं, और इससे वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, और आतंकियों का जो कब्जा है वो कश्मीर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी पार्टी जो है, केंद्र सरकार जो है, दावा कर रही है कि हमने धारा 370 हटा दी है और कश्मीर जो है वो पूर्ण तरीके से आतंकी मुक्त हो चुका है, ये केंद्र सरकार का दावा है, लेकिन इस तरीके की जो हम न्यूज़पेपर्स में, न्यूज टीवी चैनल्स में जो लोग हेडलाइंस देखते हैं, जो न्यूज देखते हैं कि किस तरीके से आम लोगों को मारा जा रहा है, दिहाड़ी मजदूरों को मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार के दावों और वादों पर और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं आलोक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चमन।